नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। जैसा कि भारत में भी होता है, तकरीबन सभी चुनाव के पहले जहां पे जो जनता प्रतिनिधि होते हैं वो अपने लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं और कोशिश करते हैं उनका वोट लेने का। इसी प्रोसेस में बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे जनता प्रतिनिधि होते हैं वो बहुत सारे ऐसा स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जानबूझ के या अनजाने में, जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है तकरीबन दुनिया के उन सभी देशों में जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो होता है और साथ में जहाँ पर वोट का इम्पोर्टेंस होता है, चाहे हम भारत की बात कर लें या हम यूएसए की बात कर लें। जो देश जितने पावरफुल होते हैं उस देश के बारे में उतना ही बात होता है। इसी साल के नवंबर 5 तारीख को यूएस में इलेक्शन है जहाँ पर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कॉन्टेस्ट करेंगे। एक है रिपब्लिकन, दूसरा है डेमोक्रेट। रिपब्लिकन उस पार्टी का है जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं, यानी कि रिपब्लिकन एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। और जहां तक बात किया जाए डेमोक्रेट के बारे में तो डेमोक्रेट एक लेफ्ट विंग पार्टी है। अभी जो यूएस में प्रेसिडेंशियल चुनाव में जो दो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं अपने अपने पार्टी से, वो है, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है कमला हैरिस। कमला हैरिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है वो है डेमोक्रेट। इनसे पहले जो बाइडेन कॉन्टेस्ट में थे, लेकिन उनके हेल्थ के कारण और जिस तरीके से यूएस में एक पॉलिटिकल कल्चर है जहाँ पे डिबेट होता है, उस डिबेट में जो उनका परफॉर्मेंस था या जिस तरीके से उनको अपनी बात को या अपनी पार्टी के बात को रखना चाहिए था, उस तरीके से वो नहीं रख पा रहे थे। क्योंकि जो बाइडेन का डिबेट में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था जिस तरीके से उनसे उम्मीद किया जा रहा था, तो इसी के कारण क्या होता है कि उनके ऊपर खूब सारा पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो उनके बदले कमला हैरिस अब प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वो चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल का जो पोजीशन है उसके हिसाब से यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल पार्टी से और उनका काफ़ी करीबी एक है जिनका नाम है लॉरा लूमर, उनके द्वारा एक बड़ा रेसिस्ट स्टेटमेंट दिया जाता है जहां पे वो ये कहती हैं कि अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो व्हाइट हाउस से जो खुशबू आएगा वो भी एक करी का खुशबू आएगा। यानी कि जिस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में हम करी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग खानों को बनाने के लिए, क्योंकि कमला हैरिस भी इंडियन ओरिजिन का है, तो इसी चीज़ से वो कनेक्ट करके कहती हैं कमला हैरिस के बारे में कि अगर किसी भी तरीके से कमला हैरिस जीत जाती हैं तो व्हाइट हाउस से जो स्मेल रहेगा वो करी का स्मेल रहेगा। कहने का मतलब है कि इस चीज़ को भी आप बड़े अच्छे से कनेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि यूएस होगा तो वो बहुत ही शानदार होगा, वहाँ पे कोई रेसिस्ट स्टेटमेंट नहीं दिए जाते होंगे। ये एक माइंडसेट बताता है, एज एन इंडियन हमें ये चीज़ समझना चाहिए और इसीलिए भी हमें समझना चाहिए ताकि अगर कल को किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के बारे में कुछ अच्छा कहते हैं तो हमें इन सब स्टेटमेंट्स को भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रिकॉल करना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएस हमारे करीब इसलिए आना चाहता है क्योंकि वो हमारा किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप के करीबी मिस लूमर का ये स्टेटमेंट जैसे ही आता है, वैसे ही जो ट्रंप का पॉलिटिकल पार्टी यानी कि रिपब्लिकन, यहाँ से जो बहुत सारे इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो इस जो स्टेटमेंट था उसको वो कंप्लीट तरीके से डिनाई करते हैं और कहते हैं कि जो मिस लूमर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट किसी भी तरीके से ट्रंप का स्टेटमेंट नहीं है, और उस स्टेटमेंट को पॉलिटिकल पार्टी से यानी कि जो रिपब्लिकन है उससे कनेक्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो बहुत ही साफ और बहुत ही सिंपल है कि यूएस में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ये काफ़ी सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो इसीलिए इनके पास जो है वो यूएस सिटीजन आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उनका जो ओरिजिन हुआ है वो इंडिया से हुआ है, तो उनके अंदर का जो इंडियन है या उनके अंदर का जो इंडियन कल्चर है वो ख़त्म नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसी बीच कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है कि इस तरीके से अगर आप अनाप शनाप स्टेटमेंट्स देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो आपको चुनाव के दिन देखने को मिलेंगे। इसी रेसिस्ट प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए मिस लूमर ये भी कहती है कि अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो आने वाले दिनों में जो व्हाइट हाउस है वो कॉल सेंटर के थ्रू मैनेज होगा और साथ में जो अमेरिकन का फीडबैक रहेगा वो भी कस्टमर सर्वे से होगा। यानी कि इसका जो लमसम मतलब है, कुछ आप इसको इस तरीके से समझ लें
कि भारत में जो सर्विस सेंटर है यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस के जो बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज़ है वो अपना जो कॉल सेंटर है या जो फीडबैक सिस्टम है उसको वो इंडिया में इंस्टॉल करके रखे हैं या इंडिया को वो आउटसोर्स कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो उनके हिसाब से अफोर्डेबल है। तो जो बड़े बड़े यूएस के कंपनीज़ के अगर आप कस्टमर केयर सर्विस को अगर आप नंबर डायल करते हैं तो वो नंबर डायरेक्टली लैंड होता है इंडिया में। तो ये भी एक तरीका था रेसिज्म फैलाने का या बताने का, जहाँ पे मिस लूमर ये कहती हैं कि अगर कमला हैरिस जीत जाएंगी तो जो यूएस का जो व्हाइट हाउस है वो कंप्लीट तरीके से इंडिया से मैनेज होगा, क्योंकि हमें यूएस एक्सेंट नहीं आता है, क्योंकि हमें यूएस का जो कल्चर है वो नहीं आता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आ सकता है कि आखिर में ये लॉरा लूमर है कौन। तो जो एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से इनका जो एज है वो 31 साल का है और ये अपने आप को सो कॉल्ड एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बताती हैं। साथ में इनके जो एक्टिविटीज़ रहते हैं या ये अपने आप को राइट विंग के साथ एसोसिएट करके देखती है और दिखाती है। और जहाँ तक बात किया जाए मिस लूमर के बारे में तो ऐसा नहीं है कि ये बस जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको ही ये टारगेट करते हैं। समय दर समय इनके जो ट्विटर अकाउंट थे वहाँ से बहुत सारे ऐसे रेसिस्ट कॉमेंट पास होते थे या इनके द्वारा वहाँ पर पोस्ट किए जाते थे। एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि 2018 में इनका जो ट्विटर अकाउंट होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और साल 2020 में जब यूएस में चुनाव थे तो ये रिपब्लिकन पार्टी से ये चुनाव लड़ती है लेकिन ये चुनाव हार जाती है। और उसके बाद इनका जो नज़दीकी होता है ट्रंप के साथ वो काफ़ी गहरा हो जाता है। तो जो एज़ पर मीडिया रिपोर्ट है वो ये कह रहा कि ट्रंप के साथ ये आपको ऑलमोस्ट हर मीटिंग्स में दिख जाते हैं। तो इसीलिए जो मिस लूमर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो एसोसिएशन है वो ट्रंप के साथ किया जा रहा। और साथ में जो ट्रंप के जो इनर सर्कल के लोग हैं उनको भी ये समझ में आ रहा कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी ओरिजिन को अगर आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो असर होगा वो और भी लोगों तक वो फैलेगा। कहने का मतलब है जो कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस ओरिजिन के हैं, चाहे आप बात कर ले भारत के बारे में, चाहे आप बात कर ले पाकिस्तान के बारे में। तो जो वर्किंग क्लास होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको नौकरी चाहिए होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है कि जो वोट वहाँ पे डालने वाले हैं यूएस में, जो खास करके जो यंगस्टर हैं उन पे इन सब स्टेटमेंट्स का काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। उसके बाद इसी महीने के 10 तारीख को ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है जो कि यूएस का एक पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है। हालांकि ये किसी भी तरीके से एक ऑफिशियल हिस्सा नहीं है लेकिन जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होते हैं यूएस के लोग वहाँ पे काफ़ी देखते हैं इस प्रेसिडेंशियल डिबेट को। और उसके बाद जो 10 तारीख को ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था वहाँ पे कमला हैरिस के या जिस तरीके से वो अपनी बात को रखी थी या जिस तरीके से अपना जो एक एजेंडा था उसको वो रिप्रेजेंट की थी, उस पूरे डिबेट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो काफ़ी डिफेंसिव होते हुए दिखे। और उस डिबेट के बाद जब पोल कराया गया तो उस जो पोल थे उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग थे वो कमला हैरिस को सपोर्ट की। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे तो एक मोमेंट था जहाँ पे जब ट्रंप और बाइडेन के बीच में डिबेट हो रहा था तो वहाँ पर ट्रंप को एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन अब ठीक उसका विपरीत होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर कमला हैरिस एक एडवांटेजियस पोजिशन पर है। और जहाँ तक बात किया जाए कमला हैरिस के बारे में तो इनका एज 59 ईयर्स है और वहीं पर अगर बात किया जाए ट्रंप के बारे में तो इनका एज 78-79 है। तो अगर आप एज को भी देखेंगे तो कमला हैरिस उनसे ज़्यादा फिट दिखती हैं और साथ में बिंग एज अ वोमेन लोग इनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे, खास करके जो वोमेन सेगमेंट है वो इनसे अधिक कनेक्ट कर पा रहे हैं। और साथ में टेलर स्विफ्ट जो कि एक बहुत ही बड़ी पॉप सिंगर है, आर्टिस्ट है यूएस में और इनका एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है, तो इनका भी जो सपोर्ट है वो ओपन तरीके से कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही हैं। तो जो फिलहाल का जो सिचुएशन है यूएस में इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो कमला हैरिस है उनको ट्रंप के ऊपर एडवांटेज है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो ट्रंप के जो इनर सर्कल हैं वो और भी खफा हो गए मिस लूमर के ऊपर। और टिल नाउ अब तक ट्रंप लूमर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको वो डिस्करेज नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात किया जाए ट्रंप के बारे में तो अगर आप एक बहुत ही सिंपल से अगर आप गूगल सर्च करेंगे तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ट्रंप खुद में कितने बड़े रेसिस्ट हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।